ओके आप सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी ओके तो ये जो प्रकाश का जो चैप्टर दिया गया है मुझे कक्षा 8 का, उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो मैं आपको जरा सा पढ़ के बताता हूँ पिछली क्लास में क्या क्या था। मैं वो किताब खोलता हूँ कक्षा 7 की और आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी किताब नहीं खोलते क्योंकि आपको दिख नहीं पाएगी, लेकिन आप लोग को पता होगा। तो उसमें उसका जब भी आप क्लास शुरू करें तो सबसे पहले आप जो भी पहले पढ़ाया गया है, पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, उसके बारे में जरूर कवर करें, जिससे बच्चा की मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश हो जाएगी, उसको समझ में आएगा कि हाँ, उसको उसको याद आएगा वापस कि क्या क्या पढ़ा था हमने। एकदम से नया कुछ शुरू ना करें। तो इसीलिए जो भी आपने कक्षा 7 में पढ़ाया होगा बच्चों को प्रकाश के बारे में, उसको हम एक बार जल्दी से कवर करते हैं। 10 मिनट लगेंगे हमें कवर करने में, लेकिन उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, हमें समझ में आएगा कि हाँ, पिछले साल क्या पढ़ा था और अभी हम कक्षा 8 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, करें ऐसा? जी ओके, तो सबसे पहले उसमें चैप्टर जो है कक्षा 7 का, उसका रिवीजन करेंगे हम। उसमें लिखा था समानांतर किरण पुंज, पुंजा कर दिया इसको, पुंज। ओके, तो उसमें ऐसी ऐसे लाइनें बनी हैं। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे कि ये समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब इसका क्या उदाहरण देते हैं आप समानांतर प्रकाश की किरणों का? समानांतर कहां से आती है प्रकाश की किरणें? कौन सा स्रोत है जिससे समानांतर प्रकाश की किरणें मिलती हैं? कोई बताएंगे हमें? हाँ जी, कोई भी बताइए। सुनाई नहीं दे रहा मैडम, जरा जोर से बोलेंगे आप प्लीज? सूर्य का बोल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश बोल रहे सूर्य हैं। का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सही बोला आपने, सूर्य का प्रकाश। लेकिन सूर्य के प्रकाश से समानांतर कैसे आती है? क्योंकि हम अगर सूरज को बनाएं तो ये हमारा सूरज है और इससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है और यहाँ कहीं दूर हमारी धरती है, ये यहां पर। तो ये समानांतर कैसे हो गया? अब ये समानांतर इसलिए मानते हैं हम इसको कि ये इतना दूर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इतना दूर है कि वो अगर थोड़ा बहुत समानांतर नहीं है, लेकिन वो उसको इतना लंबा डिस्टेंस है इसलिए हम उसको समानांतर मानते हैं। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सूरज से आने वाली किरणों को हम समानांतर प्रकाश किरण मानते हैं। ठीक है, अब अभिसारी प्रकाश किरण कॉन्वर्जेंट जो कि आके मिल रही है, ये कहां देखते हैं हम? कहां देखने को मिलता है हमें? कुछ याद आया? तो अगर हम एक टॉर्च ले लें, मैं अभी करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको, अभी हमारे इस पे है, अभी अगर हमने टॉर्च ले लिए, टॉर्च ले ली और हमने एक लेंस ले लिया और टॉर्च से उस पे रोशनी मारी, तो दूसरी तरफ जाके ये सब एक बिंदु पे मिलेंगे। ये आपको दिखाऊंगा अभी मैं करके, थोड़ी देर में आपको करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अभी सारी प्रकाश किरण को, कॉन्वर्जेंट मतलब मिलने वाली, एक जगह पे मिलने वाली। ठीक है, कॉन्वर्जेंट
कॉन्वर्जेंट एक जगह पे मिलने वाली। फिर हो गया अपसारी प्रकाश किरण पुंज, बताइए इसका इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं? आपके सामने है इसका उदाहरण, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, लेकिन आपके सामने बना हुआ है वो, क्या है वो? हाँ जी अभी जी, आप दोहराएंगे जरा क्या बोल रही है मैडम? मैडम बोल रही है प्रोजेक्टर का जो है, हाँ प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है आपका, टॉर्च है, ये टॉर्च बनी हुई है सामने, है ना, टॉर्च भी है ना, ये टॉर्च आप जलाते हैं तो ऐसे ऐसे लाइट जाती है सब तरफ, चारों तरफ लाइट जाती है दूर तक, है ना, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये पढ़ाया होगा आपने पिछली बार, ठीक है, तो ये कैसे पढ़ाया आपने, आपने ऐसे पढ़ाया होगा, मैं एक बार उसको दोहरा देता हूँ, इस पर हम ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे क्योंकि हमें अगला चैप्टर पढ़ना है। तो आप एक शीशा बनाते हैं, शीशे को हमेशा ऐसे बनाया जाता है, ये शीशे की जब हम लाइनें ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है और ये कौन सा साइड है, ये शीशा जो इसमें हम लोग ये अपना चेहरा देखते हैं, हाँ तो एक तरफ पॉलिश लगा होता है ना, तो वो नीचे वाला भाग पॉलिश वाला होता है, ये पॉलिश वाला है जी, और ये चमकदार है जी, यहां पर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बिल्कुल सही कहा आप, ठीक है। तो हम इसमें कैसे बताते हैं बच्चों को, हम बताते हैं कि एक प्रकाश किरण आई यहां से, ठीक है ना, एक प्रकाश किरण यहां से आई ऐसे, और एक लाइन ऐसे बनी हुई है, और ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे चली गई, ऐसी बताते हैं ना, तो इसमें आप क्या बताते हैं कि ये कौन सा एंगल है और ये कौन सा एंगल है, कौन सा है ये आई, कौन सा है, ये परावर्तन का एंगल है और ये जो इंसिडेंट हो रहा है लाइट उस पर पड़ रही है उसका एंगल है, और ये हमेशा बराबर होते हैं, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। अब परावर्तन के नियम क्या है, क्या नियम पढ़ाए गए होंगे पिछले क्लास में, जिसको परावर्तन के नियम या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कुछ याद आया? चलिए हम खोल के देखते हैं एक बार, क्या आपने पढ़ाया होगा किताब में, क्या लिखा है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं, ये लिखा है इसमें,
अपतित किरण माने ये, परावर्तित किरण माने ये वाली बीच में और ये अगला, ये तीनों एक ही प्लेन में है। माने आप एक अगर कार्डबोर्ड रखें तो तीनों एक ही बोर्ड पर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक कहीं और है एक कहीं और है, ठीक है। और तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, कौन सी बिंदु पर मिलते हैं, यहां मिलते हैं, ठीक है। ये तो एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण माने आई और परावर्तन कोण माने आर, ठीक है। और आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, आप जब पढ़ा रहे हो बच्चों को ना, तब इंग्लिश के शब्द भी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके उनको या जब हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो इंग्लिश का ही पढ़ेंगे। तो आप अगर उसको बोले इंसिडेंट किरण और रिफ्लेक्टेड किरण, क्योंकि आई और आर लिखा हुआ है, तो वो उसको समझ पाएंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हिंदी में करें या उसको इंग्लिश में। ये अच्छा पॉइंट है शरद जी। एक्चुअली हाँ, हिंदी में पढ़ाने के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द बताएंगे तो बच्चों को आगे आसानी होगी, ये बात सही है। क्योंकि आपका ये आपतित किरण और परिवर्तित किरण ज्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है, जब 10वीं 12वीं क्लास में पहुंचेंगे तो अंग्रेजी के ही शब्द पढ़ना पड़ेंगे उनको। तो अभी से उनको इंट्रोड्यूस करें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट किरण बोले, रिफ्लेक्टेड किरण बोले उसको, तो वो धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे उसको, ठीक है। तो आपतन कोण माने इंसिडेंट रे का एंगल, और परावर्तन कोण माने रिफ्लेक्टेड रे का, ये वाला, ये वाला, ये आई और आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, अब तीसरा एक एक नियम है इसका, जो कि आपकी पुस्तक में दिया नहीं है, कि आपका जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। जो सबने देखा होगा, रोज देखते हैं आप, आते समय तैयार होते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है शीशे में, आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप कहाँ दिखते हैं शीशे में, अगर यहां पर एक आदमी खड़ा है, मैं ऐसी बना देता हूं, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण में बनेगा, दर्पण में तो बनेगा, अगर हम डायग्राम में दिखाएंगे तो कहां दिखाएंगे उसको, इस चित्र में दिखाएंगे, अगर इस मान ये जो चित्र है हमारे सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर है, ये हमारा चमकदार सरफेस है, ये हमारा पॉलिश वाला है नीचे वाला, माने हम यहां से देखते हैं और ये हम खड़े हुए हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा मिरर के पीछे बनता है ना, आप मिरर के अंदर दिखते हैं ना, है ना। और दूसरा, आप जब मिरर के पास रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पास रहता है, और जब आप मिरर से दूर जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी आप दूर चला जाता है, ऐसा होता है। तो ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम कहता है कि एक समतल मिरर में प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता है, और वो उतना ही पीछे बनता है जितना उसके आगे का ऑब्जेक्ट है, जो जितना आगे रखा गया है उतना ही पीछे बनता है। अगर ये यहाँ पर 1 मीटर दूर है तो यहाँ पर जो बनेगा वो भी 1 मीटर दूर होगा, अगर वो 4 मीटर हो जाएगा तो ये भी खिसक के 4 मीटर हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। नहीं ठीक है कि आप ऐसा आपने देखा है, क्या मैं जी क्या बोलते हैं सब लोग, देखा है कि नहीं ऐसा होते हुए। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अभी हम लोगों के सामने जो लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें
जितनी दूरी पे लैपटॉप रखता है इतना दूरी पे हम लोग का चित्र दिखाई दे रहा है। आप अगर और पास में जाएंगे तो आप आपका प्रतिबिंब भी पास दिखने लगेगा, आप दूर चले जाएंगे तो वो भी प्रतिबिंब भी दूर चला जाएगा। अच्छा, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वास्तविक होता है कि आभासी होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब वो पार्श्व परिवर्तन होता है, उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है। क्योंकि आपके सामने जो आपकी इमेज दिखती है उसका सीधा हाथ अलग, आपका उल्टा हाथ होता है, उसका उल्टा हाथ आपका सीधा हाथ होता है, ऐसा वो देखा होगा आपने, है ना? तो उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। और वो वास्तविक होता है कि आभासी होता है प्रतिबिंब? ये सब कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कक्षा 8 कभी शुरू भी नहीं हुई है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो कि किसी स्क्रीन पे दिखाया जा सके, जैसे कि कैमरे का प्रतिबिंब लेंस से बनता है फिल्म पे, हमारी आंख से प्रतिबिंब बनता है हमारे पीछे जो रेटिना है उस पे, ठीक है? या फिर आपका फिल्म जब आप थिएटर में जाते हैं आप देखते हैं तो प्रोजेक्टर में से लाइट निकलती है उसका प्रतिबिंब स्क्रीन पे पड़ता है, ठीक है, वो वास्तविक है, वो आप किसी स्क्रीन पे ला सकते हैं। लेकिन जो मिरर से बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक होता है क्या? नहीं, वो आभासी है, वो पीछे है, वो आप उसको कभी छू नहीं सकते, आपको किसी स्क्रीन पे आप उसको दिखा नहीं सकते, ठीक है? तो वो आभासी है। तो ये 3 नियम हो गए इसके। फिर आपने देखा होगा ये क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है हमने, एम्बुलेंस लिखा है। एम्बुलेंस की वो सामने है, हमेशा उल्टा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि पीछे वाली जो गाड़ियां होंगी, जिसके पीछे आगे वाली जो गाड़ियां होंगी वो अपने शीशे में जब इनको देखेगा एम्बुलेंस को, तो उसे लिखावट जो है उल्टा दिखाई देगी। अगर सीधा लिखा होगा तो उल्टा दिखेगी, इसलिए उल्टा लिखा जाता है कि सीधा दिखाई दे, उसको सीधा दिखाई दे। तो इसका हम प्रतिबिंब अगर देखें तो ऐसा बनेगा। ये भी करके दिखाऊंगा आपको ना, ठीक है? फिर आगे के चैप्टर में बताया गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, वो देखे आपने कभी? भाई देखे कि नहीं? नहीं, मुझे तो लग रहा है। अगर दर्पण ऐसा है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, तो एक प्रकार का है और दूसरे प्रकार का है। अगर ऐसा है वो, ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस है एक और एक अवतल है। हाँ जी अमित जी, एक उत्तल है एक अवतल है दर्पण। हाँ, एक उत्तल है एक अवतल है, ठीक है ना? तो कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है? पहला वाला ये अवतल है, और ये उत्तल है। कहीं यूज होते देखा है आपने इसको? कहां पर देखा अवतल को, कहां देखा अवतल को? मैं उत्तल का बता रहा हूँ, उत्तल का जो है ये इसमें लगा रहता है, गाड़ियों में लगा रहता है। बिल्कुल सही बोला आपने। साइड में लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, जिससे पीछे का दिखता रहता है, ठीक है?
आप इसको कैसे देख सकते हैं? एक मैं एक दूसरे स्क्रीन में कहीं दिख रहा हूं अभी, आप देख पा रहे हैं मुझे? ओके, आप एक चम्मच ले लीजिए। अभी ये कौन सा मिरर है? उत्तल। अभी अवतल है कि उत्तल है? बाहर का दिख रहा है कि अंदर का भी हमको समझ नहीं आ रहा है, ये अंदर का है। ये देखिए ऐसी चम्मच है। अच्छा, आप सीधा करिए। एक सेकंड मैं इसका वो हटा देता हूँ जो, एक सेकंड रुकिए। Anybody can help me how to remove the blurring? क्या शरद क्या बोल रहे हैं? How to remove the blurring effect? Oh. Okay. Got it. There'll be a got it. Okay. Hey, got it. I've got it. Thanks. Okay. See now, अभी आप देख पा रहे हैं चम्मच को? तो ये देखिए अभी अभी क्या है, ये उत्तल है। उत्तल ये चमक रहा है ना, ये चमक रहा है, यहाँ प्रतिबिंब देख रहे हैं। और ये अवतल नहीं ना, ये जो ऐसा जहां प्रतिबिंब ऐसे वाले में बन रहा है वो उत्तल हुआ ना। यहाँ पर जो आपका जो रेयर व्यू मिरर होता है जो कार में लगा रहता है, इस तरह का होता है ना। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल। अवतल में प्रतिबिंब कैसा बनता है याद है? उल्टा बनेगा हमेशा। आप किसी चम्मच में देखिएगा, उत्तल में सीधा बनेगा। मेरा लैपटॉप देखिए, आपको सीधा दिख रहा है अभी, और जब मैं इसको घुमा दूंगा तो लैपटॉप उल्टा दिखेगा, है ना। तो एक और आपने देखा होगा, जब ये आप किसी कार में जाके देखिए, जो मिरर लगा रहेगा साइड में, उस पर लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट अपीयर एट अ डिस्टेंस देन एक्चुअली दे आर। तो वो बहुत दूर दिखते हैं लेकिन होते पास में हैं। तो वो लिखा रहता है, उसमें वार्निंग लिखी रहती है कि आप ये मत सोचना इससे सही डिस्टेंस मिल रहा है। आपको सही डिस्टेंस मिलेगा सिर्फ प्लेन मिरर से, इससे नहीं मिलता। लेकिन वो उससे क्या होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है वो, क्योंकि वो कर्व्ड है, इसलिए साइड में ऐसे कर्व्ड वाले लगा। ठीक है, चलिए ये हमारा रिविजन हो गया। कुछ इसमें पूछना है आपको? चलिए आप लोगों को दिखा देता हूं, उसके बाद फिर अपना नया वो शुरू करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए बस, मैं अपना सेटअप कर लूं। Yes.
ये हमने रखा, ये दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है, ये एक हमारे पास शीशा है, दिख रहा है आपको? ओके, ये रखा हमने, और ये हमने एक छोटी सी लेजर लाइट है हमारे पास, और हम इसको ऐसा रखते हैं मिरर को, और इस पे लेजर लाइट मारते हैं। बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, और ये हमारा जो हम आपको वो दिखा रहे थे, ये देखिए, ये ऐसे चम्मच में दिखाइए, फिर उसको घुमा दीजिए, क्या हो गया, बंद क्यों, फ्रीज हो गया मेरा वीडियो। मेरा वीडियो चलना बंद हो गया लगता है ना, एक मिनट मैं फिर से शेयर करता हूँ, क्या हो गया, बंद कर दिया। हेलो जी, सुनाई दे रही आपको मेरी आवाज ना, लेकिन मेरा वीडियो रुक गया लगता है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। एक मिनट, मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं फिर से एक बार कनेक्ट करता हूँ दूसरे डिवाइस को। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था आईपैड, अभी वापस दिख रहा है आपको? अब हम ये नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो इसमें लिखा है शुरू में कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें आपकी बुक खोलता हूं और पढ़ के बताता हूं आपको, कक्षा 8, हाँ ये आप लोगों के पास पुस्तक है भी कक्षा 8 की? ओके, उसमें सबसे पहले लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्णिक्रम, लेंस, अवतल और उत्तल। अभी तक हमने शीशे के बारे में पढ़ा था, मिरर के बारे में पढ़ा था, अब लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, प्रकाश यंत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी माने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप,
मानव नेत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं और मानव नेत्र और कैमरे की तुलना, दोनों में क्या फर्क है। तो पूरा जो आपका चैप्टर 12 है वो ये सब कवर कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको 3 से 4 क्लास लगना चाहिए, ठीक है, 3 से 4 क्लास लगना चाहिए इसमें। ओके, अभी इसमें जो शुरुआत करी है, इसमें लेंस की शुरुआत करी है और लेंस से, लेंस के यंत्र बताएं। तो उन्होंने बताया कि आपने देखा होगा बच्चों कि आप घड़ी की दुकान पर जाइए, घड़ी की दुकान पर जाके जब वो एक आंख में कुछ लगाता है और वो ऐसे करके घड़ी वाला देखता है। लेकिन लेंस का यही उदाहरण दे सकते हैं क्या आप? बताइए लेंस के क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? चश्मा सबसे अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, चश्मा तो सबसे अच्छा यंत्र है। अरे और कितने लोग लगाते हैं चश्मा? हाँ, नहीं भी लगाते तो देखा होगा लोगों को लगाते हुए, है ना। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मेरे को अच्छे से। अमित जी क्या बोल रही हैं मैडम? अमित जी, विद्या जी और सीमा जी लगाते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छा उदाहरण है यंत्र का, लेंस वाले यंत्रों का चश्मा। और क्या क्या हो गया? हाँ, वो आँख का लेंस हो गया। और बताइए, कैमरा नहीं देखा आप लोगों ने? कैमरा। और बताइए, अलग अलग तरह के कैमरे हो गए। फिर प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, है ना। फिर आपने वो भी देखा होगा, बाइनोक्यूलर, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। हाँ, फिर माइक्रोस्कोप भी देखा होगा कहीं पर, पता नहीं आपके स्कूल में है कि नहीं। नहीं है। हाँ, मेरे पास है घर में, बहुत सस्ता मिलता है, आप ले लीजिएगा उसको। हाँ, माइक्रोस्कोप। और बताइए, चलिए अभी इतने पे हम छोड़ते हैं इसको, आपके दिमाग में आता जाएगा तो और उदाहरण लिखते जाइए। मैं आपसे इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, जब आप बच्चों को उदाहरण देंगे इस तरह के जो आसपास उनकी चीजें हैं, उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी इसमें कि अरे वही लेंस हम चश्मे में भी यूज करते हैं, कैमरे में भी यूज करते हैं, हमारी आंख के अंदर भी है, कैमरे में भी है और प्रोजेक्टर में भी है, दूरबीन में भी है, ये ऐसा क्या करता है ये लेंस भाई, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं, लेकिन लेंस पे जाने के पहले हम ये देखेंगे कि जब एक लाइट की किरण एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, ठीक है। तो हमने एक ग्लास का ये स्लैब लिया, दिख रहा है आपको जी। इसको हमने ये डायग्राम में भी बना दिया है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको जी। दिख रहा है जी। ओके, और मैंने अमेज़न पे देखा अमित जी, एक ग्लास का स्लैब, एक प्रिज्म और मेरे ख्याल से 2 ग्लास के स्लैब और एक प्रिज्म, 250 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो आप मंगा सकते हैं स्कूल के लिए। अच्छा, उसके पहले हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि एक ये हमारे पास ग्लास है, ये दिख रहा है, इसको मैं पिन कर देता हूं। दिख रहा है, ये दिख रहा है ग्लास आपको, खाली है अभी,
इसके अंदर मैंने एक पेन डाला और मैंने इसमें मैं पानी भरना शुरू करता हूं। थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है टेढ़ा दिख रहा है ना थोड़ा सा दिखा कि नहीं टेढ़ा आप अगर एक कांच के ग्लास में आप एक सिक्का डाल दें नीचे तो वो थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये पेन ऐसा टेढ़ा दिखने लगा या फिर सिक्का ऊपर दिखने लगा या आप अभी किसी पानी की टंकी में देखेंगे पानी की टंकी में झांक के देखेंगे तो आपको उसके नीचे का जो तल है वो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। देखा है ऐसे ग्लास में उसमें ऐसे सीधी उंगली डालकर तो मेरी इतनी छोटी लगती थी उंगली गायब। हाँ तो ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है जब आप जब एक प्रकाश की किरण एक मिनट में अपना ये चालू कर दूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाशीय माध्यम माने जिस मीडियम में हमारी लाइट चल सकती है, लाइट हवा में चल सकती है, कांच में चल सकती है, पानी में चल सकती है, इसमें प्रकाश चल सकता है ना। तो ये मेरा डायग्राम दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना। तो एक सेकेंड ये डायग्राम ओके। तो ये देखिए ये हमारा लेजर पेन है, ठीक है, ये लाइट आ रही है यहां से और ये हमारा ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है ये, ठीक है। जब ये लाइट ऐसे आती है यहां पर इसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन जाती नहीं है वो सीधे। जब वो ग्लास में घुसती है यहां पर इस पॉइंट पे तो अंदर की तरफ मुड़ जा रही है, ये क्यों हो रहा है? ये हमारी अपातित किरण है, इंसिडेंट रे है, ये हमारी नॉर्मल है अभिलंब उस पॉइंट पे। तो अगर ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल है आई है और ये एंगल को हम आर माने रिफ्रैक्टेड माने अपवर्तित किरण है ये को आर माने तो कौन सा एंगल बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है? बताइए इसमें चित्र में कैसा दिख रहा है आपको, आई बड़ा है कि आर बड़ा है? हेलो राहुल, एम आई देयर? आर दे देयर?
देखिए चालू होता है। अमित जी आप पता नहीं कहाँ छूट गए थे, किस किस पॉइंट पे छूटे थे। हाँ जी नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो गया कभी। हाँ नेटवर्क नहीं, आपका नेटवर्क तो गड़बड़ था वो समझ में आ गया मुझे, लेकिन आप किस पॉइंट पे छूटे थे तो वहीं से शुरू करता हूँ मैं। INR angle of incident and angle of reflection आप जब explain कर रहे थे तभी लोग छूटे थे, वहाँ से freeze हो गया था। Okay I'll start from there. Yeah अमित जी जी अभी आप दिख रहे हैं, आप दिखते नहीं है तो मेरे को थोड़ा वो होने लगता है कि क्या हो गया। ओके तो इसमें हमारी एक ये हमारा फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक ग्लास का एक टुकड़ा रखा हुआ है स्लैब जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये ऐसा आप देख पा रहे हैं मुझे जी। ओके और ये टुकड़े को हमने एक बोर्ड पे रखा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ये कैसे आप वहां पर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। ये हमने उस पर एक लाइट की बीम मारी, लेजर बीम, जो कि हम नॉर्मली सोचते हैं सीधे जाना चाहिए, सीधे नहीं गई वो, लेकिन यहां पर ऐसे आ रही थी और ये मुड़ गई अंदर की तरफ। देख रहे हैं ना डायग्राम में आप, ये मुड़ गई अंदर, ऐसे आ रही थी ये पीली किरण और यहां तक आते आते ये मुड़ गई अंदर। ये हमारा एंगल आई है, इंसिडेंट रे का एंगल है, अपतित किरण का एंगल है और ये हमारा अपरिवर्तित किरण का एंगल है आर। इसमें कौन सा बड़ा है, आर बड़ा है कि आई बड़ा है? आई बड़ा है, सही बोला आपने। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई इज ग्रेटर देन आर, ऐसा लिखेंगे ना। अब ये किरण आगे चली, यहां से ये आगे चली, ये सघन माध्यम है माने डेंस है ये, और ये हवा है, ये विरल माध्यम है मतलब रेयर मीडियम है ये, ठीक है। अब यहां से कांच में से निकल के फिर हवा में आ रही है तो ये विपरीत दिशा में जाएगी, अब ये फिर वापस घूम गई। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम अगर लाइन को आगे बढ़ाएं, इसको यहां से सीधा, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जो लाइन ऐसे सीधे जाना चाहिए थी लाइन, ये लाइट की किरण जो है ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब आ गया तो ये मुड़ गई। इसीलिए आपको पेन भी टेढ़ा दिखता है, इसीलिए आपको, क्योंकि वो मुड़ने के कारण जो नीचे से लाइट आ रही है उसके तल से, आपकी टंकी के तल से, आपके ग्लास के तल से, वो थोड़ी बेंड हो जा रही है और बेंड होने के कारण आपको या तो पेन टेढ़ा दिख रहा है या सिक्का ऊपर दिख रहा है या तल ऊपर दिख रहा है, इसलिए दिखता है। अभी समझ में आया आपको, कुछ प्रश्न है आपके? मैडम कुछ प्रश्न है आपके, आप लोग के? नहीं, कुछ कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जब बोर्ड पर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है, और जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये तो मेरा बना हुआ था पहले से, लेकिन मैं आपको बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेंगे, फिर एक लाइन लेंगे
और उसको ऐसे बनाएंगे। ये आपकी किरण है जो आ रही है, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 90 अंश के कोण पे, ठीक है ना। फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अब मुड़ गई है, पास में आ जाएगी, फिर यहां पर एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे और ये यहां से बाहर निकल आएगी। इसको आप लिखेंगे आई, इसको लिखेंगे आर, और आ लिखेंगे आई ग्रेटर देन आर। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम आपकी पुस्तक में गलत तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए मैंने अमित जी आपसे मंगवाया था, आपको याद है आपने व्हाट्सएप पर मुझे भेजा था। तो आपके ये जो लाइन है जो पुस्तक में दी गई है, वो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे ऐसे दिखाई गई है। अब बताइए इस डायग्राम में क्या गलती है, ये जो आपने ऊपर देखा इसमें और इसमें क्या गलती है, कोई बता सकते हैं आप? इसमें बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये आपकी पुस्तक में डायग्राम नंबर 12.3 है शायद, मैं देख के बताता हूँ अभी आपको, आपने भेजा था मुझे। बताइए जब तक आप लोग सोचिए क्या गलती है इसमें। कुछ लग रहा है गलत? सब सही है? ऐसा नहीं है बल्कि वो ऐसा है, थोड़ा सा मैं उसको और करेक्ट कर देता हूं। जो आपके डायग्राम नंबर 12.3 है वो ऐसा है एक्चुअली, ऐसा आप आपके पास पुस्तक हो तो देखिए आप, आपको कुछ लग रहा है इसमें क्या गलती है? सोचिए सोचिए, गलत आंसर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होने दीजिए आंसर, उत्तर गलत होने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन सोचना जरूरी है। आप सोचेंगे तो फिर आपका सोचने की सोचने का दायरा बढ़ेगा, आप अलग अलग चीजें सोचेंगे, गलत होने दीजिए। बताइए एक जवाब तो दीजिए, भले ही गलत हो जाए वो। आपको वो चित्र मिल गया, चित्र 12.3 राइट साइड में बना हुआ है ये, इसमें जो आपका नीचे का हिस्सा, चलिए मैं आपको इतना हिंट देता हूं, जो नीचे का हिस्सा है चित्र का वो गलत है। क्या गलती है? सीधे होना चाहिए। हैं हाँ, आप करीब हैं उसके, बताइए। जो नीचे की किरणें जा रही है वो सीधी होनी चाहिए। सीधी माने किसके सीध, किसकी सीध में होना चाहिए? निकल किरणें जो है नीचे की तरह वो सीधा माने, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आप सही जगह पे हैं, आप बहुत नजदीक हैं उत्तर के। वो मुझे लगता है आपकी किरण के समानांतर होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने ढूंढा। देखिए हम चलते हुए जा रहे हैं, आप ये मिरर विरर सब छोड़िए, ये लाइट वाइट सब छोड़िए, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हम एक एक दिशा में चलते हुए गए, हम एक एंगल से थोड़ा सा मुड़े, ठीक है, और थोड़ी दूर चलने के बाद उसका उल्टे उतने ही एंगल से मुड़ के आगे चले गए, तो दोनों पथ समानांतर होंगे ना। तो ये जो पथ है ये यहां तक, और उसको हमने एक्सटेंड करके यहां तक बना दिया, ये पथ और ये पथ समानांतर होंगे, होना चाहिए ना समानांतर। और आपकी पुस्तक में क्या दिया है, जो आपकी किरण आर एस है, आर एस लिखा हुआ ना, निर्गत किरण, वो थोड़ा ऊपर की तरफ टर्न हो गई है, जो लास्ट में उसके समानांतर होनी चाहिए। हाँ, वो डॉट डॉट वाली जो लाइन है उसके समानांतर होना चाहिए उसको। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए अमित जी, ऐसा जी, समानांतर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए समानांतर, उसका रीजन है। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है समानांतर होना चाहिए क्योंकि अच्छा दिखता है, वो ऐसा नहीं है, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि यहां हम हवा से, हवा में ये एक एंगल आई में घुसे अंदर कांच के और टर्न हुए अंदर कांच के अंदर, क्योंकि वो सघन माध्यम है लाइट का, और एंगल आर हो गया। अब ये एंगल आर और ये एंगल आर बराबर है ज्योमेट्री के हिसाब से, है ना, ये आर और ये आर बराबर है, ये वाला आर, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये लाइन एक, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आर और आर। तो जब बाहर निकलेगा हवा में फिर से, तो वापस आई बन जाएगा वो, क्योंकि उसका उल्टा उल्टा ही हो रहा है, जो यहां हो रहा है उसका उल्टा यहां हो रहा है, यहां विरल से सघन में जा रहा है या सघन से विरल में जा रहा है, इतना ही है बस, उल्टा हो रहा है बस। तो ये जो एंगल होगा ये आई होगा बराबर, आई के बराबर होगा, इसलिए ये दोनों समानांतर होंगे, है ना। तो जो किरण बाहर निकलती है वो पहले किरण के पथ के समानांतर होती है और बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, इतना ही होता है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, मेरा टाइम काफी हो गया है, एक और आपको बता दूं कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, तो मैं आपको एक वापस कैमरा लगा के दिखाता हूं क्या करेंगे। पहले डायग्राम में दिखा देता हूं, फिर आपको कैमरे में दिखा दूंगा, फिर हम खत्म करेंगे क्लास को, फिर आपका क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो आप अपने ग्लास स्लैब को ऐसे रखिए, एक बोर्ड पे, सफेद बोर्ड पे रखिए, ठीक है, और उसके चारों तरफ लाइन बना लीजिए पेंसिल से, जिससे अगर खसक भी जाए तो आप वापस उसको जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। और उसको आप किसी सॉफ्ट बोर्ड पे रखिए, लकड़ी वाले बोर्ड पे, है ना, आप उसको किसी ऐसे कड़क बोर्ड पे मत रखिए जिसमें आप पिन को घुसा सकें, ऐसे बोर्ड पे रखिए। और आप फिर यहां से लाइन खींचिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, एक लाइन खींचिए पेंसिल से, एक लाइन बना लीजिए ऐसे, और यहां पर एक परपेंडिकुलर बना लीजिए, ठीक है, ये बना दिया, ये आपका डायग्राम है। अभी क्या करना है आपको, दो पिन लीजिए, पिन जो नॉर्मल पिन आते हैं ना, उसको यहां पर सीधा घुसा दीजिए, कहां, एक इसको यहां घुसा दीजिए, एक उसको यहां घुसा दीजिए, सीधा खड़ा कर, ठीक है। अब आपको यहां से आपकी यहां पर, यहां से देखिए बोर्ड के समानांतर, ये आपकी आंख है,
यहां से देखिए कि आपके आपके पिन आपको कहां दिख रहे हैं, एक सीधी लाइन में, एक एक ही पिन दिखना चाहिए, दोनों पिन लाइन में होना चाहिए। तो यहां पर आप तीसरा पिन लगाइए, फिर आप फिर से देखिए और चौथा पिन लगाइए, चौथा पिन, पिन नंबर वन, पिन नंबर टू, पिन नंबर थ्री, पिन नंबर फोर, ये सब एक ही लाइन में दिखना चाहिए आपको यहां से, जब आप देखें नीचे से, जब आप यहां से देखेंगे तो ये तीनों पिन एक दो तीन चार एक ही लाइन में दिखना चाहिए आपको। हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब आप क्या करिए, पिन निकालिए, वहां पर एक पॉइंट से एक वो बना दीजिए अपना, क्या बोलते हैं, एक एक डॉट बना दीजिए पिन निकालने के पहले, इसको जोड़िए यहां पर ऐसे, और फिर ये दोनों पॉइंट को जोड़, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। यहां पर थोड़ा अभी इतने अच्छे से बना नहीं पाया मैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। समझ गए यार, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, और छोटा सा एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, और फिर हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? तो दो मिनट दीजिए मेरे को, मैं अपना जरा कैमरा सेट कर लूं। इस बीच में आपको लगता है कि आपके कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछ लीजिए। ओके, आपको मेरा लैपटॉप दिख रहा होगा अभी, इसको मैं लैपटॉप को किनारे कर देता हूँ और एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं एक मिनट पेन छूट गया पर। एरो दिख रहा है आपको? ओके, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, दो मिनट। अभी ये मैंने एक कांच का ग्लास रख दिया इसके सामने, अभी भी दिख रहा है आपको एरो? ठीक है, अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, अभी एरो का डायरेक्शन क्या है? डाउन।
इधर थोड़ा सा खिसका देता हूँ इसको, ये देखिए ये ऐसा दिख रहा है और मैंने ग्लास रखा तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिखा रहा अभी, उल्टा हो गया ये? हाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर इसका वो दिख रहा है एरो? जी जी, लेकिन वास्तव में इसका एरो तो इस तरफ है। जी क्यों है ऐसा, ये सोचिए आप। मैं इसका उत्तर अभी नहीं चाह रहा आपसे, लेकिन अगली कक्षा में पूछूंगा आपसे बात कि ये पानी भरा हुआ ग्लास और पानी निकाल दूंगा ग्लास में से तो एरो वापस वहीं पर दिखने लगेगा। ये पानी भरने से ऐसा क्या जादू हो जाता है, फिर से दिखाऊं? फिर से दिखाऊं आपको? नहीं हो गया। आप एक बार और देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या हो रहा है। ये एरो है, ठीक है, कहाँ दिखा रहा है आपके, बाएं ओर दिखा रहा है? अभी मैंने पानी भरा, इधर ये एरो, एरो ने अपना डायरेक्शन बदल दिया, उल्टा हो गया। अभी सोचिए क्यों होता है ये, ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट का बता देता हूं, आप ये ऐसा बोर्ड रखिए, ठीक है, और ये हमारा ग्लास स्लैब है, इसको ऐसे रखिए और पेंसिल से इस पे जैसे मैं बता रहा था आपको चारों तरफ लाइन बना लीजिए और यहाँ पर दो पिन लगाइए, ठीक है, ऐसे खड़ा करके पिन लगाइए, लाइन बना दीजिए इसको, मैं पकड़ा हुआ इसको तो संभाल नहीं रहा है। फिर यहाँ से देखिए, इधर से इस डायरेक्शन से जहाँ मेरा पेन है, इस डायरेक्शन से देखिए और यहाँ पर भी पिन लगाइए, दो पिन ऐसे खड़ा करके, जिससे कि ये चारों पिन, एक पिन दो पिन, एक ये यहाँ वाला पिन, यहाँ वाला पिन और ये दोनों पिन सब एक लाइन में दिखे और फिर आप उन लाइनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ये एक्सपेरिमेंट जो डायग्राम बुक में दिया है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा लेक्चर का टाइम तो हो गया, अब आपके पास कुछ प्रश्न हो तो बताइए, मैं फिर आपको उसका जवाब दूंगा। आपको लगता है इस तरह से पढ़ा सकते हैं क्लास में? हाँ पढ़ा सकते हैं सर। कुछ कठिनाई लगी आपको? मैंने ऐसा बहुत कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई कि आपके पास ना हो या आप ना बता पाए। हाँ मैडम आप लोग बताइए, आप लोग पीछे चुप बैठे हैं, कुछ है प्रश्न आपके पास या कुछ समझ में ना आया हो तो वो मैं समझा दूं, या आपको कुछ और पढ़ाने में दिक्कत हो रही हो तो वो बताइए। मेरे को जरा सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर आपको जोर से बोलना पड़ेगा या अमित जी को रिपीट करना पड़ेगा या आपको पास आके बोलना पड़ेगा। बोल रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट करके कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद जो समस्या होगी फिर बात करेंगे। ओके तो अमित जी मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना ही एक चीज नहीं है, पढ़ाने का क्या क्या नए तरीके हम ढूंढ सकते हैं, डायग्राम कैसे अच्छे से बनाना है, उसको उसको समझाना कैसे है, क्योंकि आपकी जो बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है आपकी जो पुस्तकें हैं ना बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब उसमें डायग्राम्स हैं, कुछ तो गलत भी हैं और बहुत ही गंदे तरीके से समझाया, बच्चों को समझना उससे बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप CBSE की जो NCERT की किताबें हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, सब अब इंटरनेट पे हैं अवेलेबल फ्री में, उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनसे पढ़िए, उसको उदाहरण बहुत अच्छे हैं, उसके चित्र बहुत अच्छे हैं, आपको उसमें अच्छा रहेगा। ठीक है सर,
डाउनलोड कर लेते हैं और सेम चैप्टर जो है उस किताब में से देख के हम लोग किस तरह का एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ाते हैं। हाँ, और अभी इसके आगे का क्या है? इसके आगे यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, इसके आगे प्रिज्म है और उसके बाद फिर लेंसेज है। तो मैं लेंसेज भी लेके आया था लेकिन अब तो वो कुछ हो नहीं सकता। अवतल और उत्तल, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ये सब मैं लेके आया था कि इससे भी एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको करके ये कैसा क्या होता है, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, वो समय नहीं है हमारे पास। लेकिन आप उसको सोचिए, आप आपको अगर मेरे से पूछना है किस तरह से हम दिखा सकते हैं तो मैं आपको उसमें मदद करूंगा। लेकिन उदाहरण बहुत दीजिए रियल लाइफ के, जो हमारे सामान्य जिंदगी में हो रहा है हमारे। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, ये जो लेंस है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा होगा आपने ये, और हमारे चश्मे के लेंस में क्या फर्क है? चलिए ये भी एक सोचिएगा आप। ये एक तरफ से चश्मा जो है उत्तल लेंस है, एक तरफ से अवतल लेंस है, लेकिन इसमें जो है कि बस जो है उत्तल लेंस है इसमें। अच्छा अमित जी, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेंस एक ही प्रकार का हो सकता है, या तो उत्तल होगा या अवतल होगा। और अवतल और उत्तल का उसका डेफिनेशन क्या है वो जरा एक बार अच्छे से देखिएगा, मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा उसके बारे में। जो उत्तल होता है वो 20 से मोटा होता है, उसका शेप कैसा भी हो। मैं अभी मैंने अपना ये बंद कर दिया आईपैड, नहीं तो आपको ड्रॉ करके दिखा था। और अवतल जो होता है वो 20 से पतला होता है। आपका चश्मे का अगर लेंस लेके ऐसे हाथ से उसको देखें तो आपको महसूस होगा कि बीच में पतला रहता है, साइड में मोटा रहता है। हाँ, और ये जो है हमारा ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो है बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, ये किनारों में पतला है, बीच में मोटा है। ठीक है, देखिएगा। फिर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कांच के पीसेस ले लीजिए, ये सातवीं कक्षा में जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें फिर आप रिफ्लेक्शन पढ़ा सकते हैं उसी तरह से। तो आप ये करिए, मेरा 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 कहना यह है कि सबसे पहले तो आप दूसरी पुस्तकें भी देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे, भले ही आप इस पुस्तक से पढ़ाइए क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। दूसरा, जब आप अगली बार कक्षा में पढ़ाएंगे बच्चों को तो हम आपका देख सकते हैं आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप कक्षा के पहले हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कक्षा के दौरान हम चुपचाप बैठ के आपका लेक्चर सुनेंगे, फिर आपको हम कुछ हिंट्स दे देंगे उसमें क्या कर सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट। मेरे ख्याल से यही कर सकते हैं हम। राहुल, आर यू देयर? इस तरह से सोचा आगे करते हैं। आपको अगर और कुछ आपका कुछ और कुछ सोचना हो तो बताइए। लेंस में वो निकट लेंस और दूर उसके लेंस भी होता है ना, जैसे चश्मे में लेंस जो लगाया जाता है तो मतलब दूर की वस्तु नजदीक दिखाई देती है और साफ दिखाई देती है, इस तरह का भी निकट वस्तु लेंस और दूरदृष्टि के लिए भी लेंस लगाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा आगे किसी कक्षा में कि वो लेंस से क्या होता है। ठीक है, वो अपने हमारा होता क्या है कि आंख का जो मसल्स रहती हैं वो खराब जाती है पीछे की, तो हमारा जो फोकस वो हो नहीं पाता, जो रेटिना आगे पीछे होके या लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज होती है उससे हमारा जो इमेज बनती है रेटिना पे वो उसकी मसल्स कमजोर हो जाती है एज के साथ, तो हमें उसको सही करने के लिए हमें एक और लेंस लगाना पड़ता है सामने, जो हमारा चश्मा है। अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो दूर दृष्टि का या नजदीक की दृष्टि का। पढ़ने कुछ लोग पढ़ नहीं पाते ठीक से, कुछ लोगों को दोनों लगते हैं, बायफोकल हम जो लगाते हैं,
तो दोनों से क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ, या पढ़िए आप, आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा। और कुछ प्रश्न है आपके? अभी तक के लिए नहीं, अभी प्रश्न सब लोगों के लिए बोल रहे हैं। आपको कुछ इसमें जो जिस तरह से मैंने आपको बताया आपको ठीक लगा नहीं लगा, या मेरे लिए कुछ फीडबैक है आपका कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ? नहीं, ठीक तो लगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह से प्रयोगात्मक तरीके से उसको पढ़ाया नहीं है, तो अभी जब हम लोग उसको करेंगे तो क्या क्या उसमें चीजें हम लोग को और सीखनी पड़ेगी ये तब पता चलेगा जब हम लोग क्लास में लेके जाएंगे। तो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि प्रयोग करना ही एक चीज नहीं, क्योंकि प्रयोग करते रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपने भी वो बोला था कि हम सिलेबस कब खत्म करेंगे, तो प्रयोग भी करिए, उसको उदाहरण बहुत सारे दीजिए, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि अच्छे से डायग्राम बनेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको, और फिर धीरे धीरे करके उनसे बोलचाल की भाषा में प्रश्नोत्तर करते हुए फिर उनको समझाइए, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी पूरी करें क्लास में जाने के पहले। ठीक है तो अमित जी, जी दीदी, कौन उधर साइंस सिखाते हैं वो लोग एक चैप्टर लेके जो कंफर्टेबल है वो चैप्टर लेके ऐसा एक लेसन प्लान बनाकर कर तो तैयारी कर सकते हैं, और जब वो क्लास लेते हैं तो उस दिन हम जूम लिंक भेजते हैं और शरद जी अटेंड कर सकते हैं। 30 मिनट्स का क्लास हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो शरद जी आपको सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, बाद में आप सोचकर बताइए, कोई अर्जेंट नहीं है, हम ये तीनों सेशन होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे, तब डिसाइड कर लेंगे। कैन वी कंक्लूड लीना? या 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 ओके। अमित जी और सब साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग कोशिश करते हैं उसको जो है कि किस तरह से, क्योंकि हम लोग भी सारे लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए अपने, तो उसको अभी खुद पहले तो हम लोग को करना सीखना है किस तरह से उसको करना है। जैसा आपने की खाली एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, डायग्राम बनाना है और बाकी चीजें पढ़ानी भी है, क्योंकि सिलेबस को भी देखना है, तो पहले हम लोग उसको शुरू करते हैं, फिर जो भी समस्या आएगी आपसे हम लोग शेयर करेंगे कि क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और ये जो एरो वाला मैंने एक्सपेरिमेंट बताया ना, खाली ग्लास और पानी से भरा ग्लास वाला, इसके बारे में सोचिएगा और मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। ठीक, चलिए बाय। ओके बाय, थैंक यू।